हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आती हूँ। अंतरिम बजट पेश हो चुका है, जो कि 1 फरवरी 2019 को आया है, जिसमें कि इनकम टैक्स की जो छूट की सीमा थी वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसी बजट से रिलेटेड 10 नई बातों के बारे में। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। एनडीए सरकार ने अंतरिम बजट को पेश करते हुए आम लोगों को टैक्स में रियायत का बड़ा प्रस्ताव किया है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है, जिसमें कि सरकार ने आयकर की छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख यानी कि दुगनी कर दी है। इस छूट से मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं इसी से जुड़ी 10 बड़ी बातों के बारे में। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार यानी कि आज के दिन 1 फरवरी 2019 को आयकर छूट की सीमा को दुगना कर दिया यानी कि 5 लाख करने का प्रस्ताव कर दिया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में 2019 का बजट पेश करते हुए कहा गया कि इस प्रस्ताव के जरिए से जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें 3 करोड़ करदाताओं को बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन आयकर छूट की सीमा को दुगना कर देने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ का बोझ भी सहना पड़ेगा। अगर आप निवेश करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और 6.5 लाख रुपए की सालाना आय है, तो अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर कोई करदाता किसी सरकार की विशेष बचत योजनाओं का लाभ उठाता है तो उसके लिए ये आय की सीमा 6.5 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा NPS, चिकित्सा बीमा यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस या फिर होम लोन के ब्याज पर जो भुगतान देना होता है उसको जोड़ने के बाद भी ये सीमा बढ़ जाएगी। इसके अलावा बैंकों और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज के सोर्स पर जो कर देना होता था, पहले 10,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिलने पर आपको टैक्स देना होता था, अब ये सीमा 40,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। यानी कि अगर आप इन योजनाओं से 40,000 रुपये का ब्याज उठाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के इस फैसले से 5 लाख से ऊपर आय वालों को 13,000 रुपये का फ़ायदा होगा। इसी के साथ FD से जो ब्याज आता था 40,000 तक टैक्स नहीं देना होगा, पहले ये सीमा थी 10,000 रुपये की। इसी तरह से महिलाओं को भी बैंक से 40,000 रुपये ब्याज उठाने पर टैक्स नहीं देना होगा। ग्रेच्युटी का भुगतान जो पहले 10 लाख था अब उसे बढ़ाकर दुगना यानी कि 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 5 साल तक नौकरी करने पर उसको छोड़ने के बाद अधिकतम जो ग्रेच्युटी मिलती थी 10 लाख मिलती थी, अब आपको 20 लाख रुपए दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड ये एक नई अपडेट थी जो मैंने अभी आपको दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो की नई नई अपडेट जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।